हे गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। गाइस, आज मेरे पास फ्री फायर में आने वाले काफी सारे अपडेट्स हैं। जैसे गाइस, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हमारे गेम के अंदर आने वाला है बिल्कुल ही दो ब्रांड न्यू कैरेक्टर। तो गाइस, उसके बारे में मैंने फुल डिटेल में बताया कि कौन सा वो कैरेक्टर होने वाला है, क्या उसकी एबिलिटीज होने वाली है, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताया। एंड गाइस, फ्री फायर का 3 बहुत ही बड़ा कोलैबोरेशन होने वाला है। तो गाइस, वो किसके साथ होने वाला, कब होगा, और गाइस उसमें आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, कौन से नए नए चीजें आप लोग को गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, उन में इस वीडियो में मैंने आप लोग को फुल डिटेल में बताया। और गाइस, बताया कि जो हमारा न्यू मोड आने वाला, दो बिल्कुल ही नए मोड्स आने वाले, उसके बारे में गाइस आप लोग को फुल डिटेल दिया। तो गाइस, अगर आप लोग भी जानना चाहते हो ना ये सभी चीजें, तो गाइस वीडियो को पूरा एकदम एंड तक वॉच करते रहना, आप लोग को डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे सीरो कैरेक्टर के बारे में। आप लोगों में से ऑलरेडी काफी बंदों ने देख लिया होगा ये वाला कैरेक्टर। एंड गाइस, इसका लुक आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम कैरेक्टर है, बहुत ही कूल लगा मुझे। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताना। और गाइस, ये आप लोग को देखने को मिल जाएगा OB26 का जैसे अपडेट आ जाता है उसके गाइस आप लोग को 15 या फिर 10 दिन के अंदर आप लोग को ये जो कैरेक्टर है ये कैरेक्टर सेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद गाइस आप लोग को ना ये टॉप अप इवेंट या फिर किसी भी इवेंट में ना आप लोग को जोर से ये देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस, आप लोग को किसी फ्री इवेंट में भी देखने को मिल सकता है ये वाला कैरेक्टर, उतना ज्यादा ओपी स्किल नहीं है। और गाइस, स्किल की बात की जाए तो मैं आप लोग को स्किल पहले बता देता हूं। तो गाइस, अगर एनिमी आप पे कोई भी बुलेट हिट करता है, मतलब गाइस एनिमी अगर फायर करना स्टार्ट कर देता है ना, तो उस पे 4 सेकंड का पिन लग जाएगा, मतलब गाइस वो टैग हो जाएगा, उसकी लोकेशन आपको पता चल जाएगी अगर एनिमी आप पे फायर करता है। तो गाइस आप लोगों ने समझ लिया होगा। और गाइस बात कर लेते हैं ये किस में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये एक कोलैबोरेशन होने वाला गाइस, एक फ्री फायर का कोलैबोरेशन होगा अटैक ऑफ टाइटन नाम के वेब सीरीज के साथ। आई मीन कि अटैक ऑफ टाइटन एक जापानीज एनिमे है जिसका मेन कैरेक्टर जो है वो सीरो है। तो गाइस, ये कैरेक्टर आप लोग को देखने को मिल जाएगा हमारे फ्री फायर के अंदर, जैसे ये कोलैबोरेशन स्टार्ट हो जाएगा आप लोग को ये कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। और गाइस, हो सकता है कि ये टॉप अप इवेंट में आए, या फिर गाइस हो सकता है कि आप लोग को किसी फ्री इवेंट, फ्री वेब इवेंट में देखने को भी मिल जाए। आप गाइस देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये कैरेक्टर हमें कब देखने को मिले। बट गाइस, एक चीज फ्री फायर प्लेयर को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर रही है कि आपको गेम के अंदर ना इस तरीके का ड्रोन देखने को मिलेगा, मतलब गाइस बरमूडा 2.0 जो हमारा आएगा, परमानेंटली आएगा गाइस OB26 के अपडेट के बाद, उसके अंदर गाइस आप लोगों को इस तरीके का ड्रोन देखने को मिलेगा जिसको आप लोग लॉन्च कर सकते हो। और गाइस, काफी बंदे ना इसको रिलेट कर रहे हैं हमारे सीरो की एबिलिटी के साथ। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। सीरो की जो एबिलिटी रहेगी वो रहेगी कि अगर 50 मीटर के रेंज में कोई भी एनिमी आप पे फायर करता तो उस पर एक टैग बन जाएगा, उसकी लोकेशन आपको पता चल जाएगी, जैसे गाइस मोको में होता है उसी तरीके से होगा। बस गाइस एनिमी आप पे फायर करेगा तब गाइस उसका लोकेशन पता चल जाएगा। और गाइस, ये जो एबिलिटी रहेगी ये पैसिव एबिलिटी रहेगी, मतलब गाइस एक्टिव नहीं रहेगी, लेजेंडरी नहीं रहेगी, आप लोग को पैसिव एबिलिटी देखने को मिलेगी। और गाइस बात कर लेते हैं हमारे एक नए मिली वेपन के बारे में। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पर पलांग रखते हो, कटाना रखते हो, उसके जगह पे ना गाइस आप लोग इस तरीके का नाइफ रख सकते हो जिसको गाइस आप लोग एनिमी पे थ्रो करके उसको किल कर सकते हो, मतलब गाइस काफी ज्यादा ओपी लगा। आप लोगों ने कूल डाउन ऐसा कुछ नाम है एक मोड का, उसमें भी गाइस आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके का ये जो नाइफ आप लोगों ने देखा होगा। तो गाइस ये आप लोगों का गेम के अंदर देखने को मिलेगा क्लासिक में आपके अंदर, यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा ओपी रहेगा। और गाइस अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे कैरेक्टर के बारे में। तो गाइस काफी बंदे ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा जो WWE का रैंडी ऑर्टन एक प्लेयर है गाइस, वो WWE के रेसलर है, तो गाइस वो आने वाले हैं हमारे गेम के अंदर, क्योंकि जो हमारा लॉबी है ना एडवांस सर्वर का, तो गाइस उसमें ना रिंग टाइप की बना दी गई है। तो गाइस काफी बंदे ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे WWE के प्लेयर के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है। तो गाइस ऐसा मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, रैंडी ऑर्टन के साथ कोई भी यहां पर कोलैबोरेशन नहीं होने वाला। काफी बंदे ऐसा फेक न्यूज़ दे रहे हैं क्योंकि गाइस ऐसा लग रहा है कि हमारा कोलैबोरेशन होने वाला है, लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो रिंग बनी है ना उसमें गाइस कोबरा लिखा हुआ है। तो गाइस कोबरा का मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूं, गाइस हमारा फ्री फायर का कोलैबोरेशन होने वाला है कोबरा काई नाम के एक वेब सीरीज के साथ जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो जाके। तो गाइस इसके साथ कोलैबोरेशन होने वाला, इसलिए गाइस एडवांस सर्वर के लॉबी पे आप लोग को कोबरा देखने को मिला, ना कि WWE। तो गाइस आप लोग ऐसा मत सोचना कि WWE के रैंडी ऑर्टन के साथ कोलैबोरेशन होने वाला, उसका एक नया कैरेक्टर आने वाला है, ये सभी के सभी न्यूज फेक है गाइस, आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ। कोबरा काई नाम का एक वेब सीरीज है जिसके साथ कोलैबोरेशन होने वाला, और गाइस इसमें कोई भी आप लोग को नया कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग को गाइस एक बैकपैक में आप लोग को दिखा रहा हूँ, जब ये कोलैबोरेशन स्टार्ट हो जाएगा आप लोग को इसके रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे इमोट्स देखने को मिलेंगे। गाइस मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ लूट क्रेट की स्किन जो कि हमारे कोबरा काई के कोलैबोरेशन में आप लोग को देखने को मिले वाले हैं। जैसे गाइस कोलैबोरेशन स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों को ये सभी आइटम्स देखने को मिल जाएंगे। और गाइस अभी देख सकते हो ये पैरासूट की स्किन है जो कि गाइस उतने ठीक ठाक ही है, मतलब गाइस जितने भी कोलैबोरेशन होते हैं उसमें गाइस पैरासूट की स्किन जो होती है ना वो ज्यादातर फ्री मिलती है। जैसे क्रोनो कैरेक्टर के में जो पैरासूट मिला था वो आपको फ्री में मिला था, और गाइस वन पंच मैन में भी गाइस आप लोग को फ्री पैरासूट मिला। तो गाइस ये पैरासूट शायद आप लोग को फ्री में मिलेगा, मुझे तो लगता है गाइस 99% की पैरासूट फ्री आने वाला। और गाइस लूट क्रेट की बात रही तो गाइस इसकी कोई भी चीज अभी चेंज
कंफर्म नहीं हुआ। और गाइस दो नए नए इमोट्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। मैं आप लोग को पहला इमोट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो वन फिंगर पे ये बंदा पुशअप कर रहा है, मतलब गाइस एडम के आप लोग पावर देख सकते हो एक फिंगर पे गाइस ये पुशअप कर रहा है। और गाइस दूसरा यहाँ पर देख सकते हो कोबरा का जो कोलैबोरेशन होने वाला ना, इसी तरीके का फाइटिंग स्टाइल होता है कोबरा। तो गाइस यही आप लोग देख सकते हो। ये दोनों चीजें मैं आप लोग को जितने भी चीजें दिखा ये कोबरा काई का वेब सीरीज है जिसके साथ कोलैबोरेशन होने वाला है। इसमें गाइस आप लोगों को ये सभी आइटम्स देखने को मिलेंगे, ना कि WWE के रैंडी ओर्टन के साथ होने वाला है। एंड हां, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कोलैबोरेशन नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है गाइस। लेकिन गाइस अभी जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है ना रैंडी ओर्टन जिसमें दिखा रहा है WWE का कोलैबोरेशन दिखा रहा है, वो बिल्कुल ही फेक है गाइस। ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में हो भी जाए, लेकिन गाइस अभी जितना भी सर्कुलेट हो रहा है ना रैंडी ओर्टन आने वाला, ये आने वाला, काफी सारे यूट्यूबर ने भी बताया होगा, लेकिन सब कुछ फेक है। मैं आपको बताऊं गाइस ये वीडियो भी पूरी तरीके से एडिटेड है। जो बंदा एडिटिंग के बारे में थोड़ा सा भी पता ना उसको पता चल जाएगा कि ये एडिटेड वीडियो, क्योंकि ऐसा इसका आप लोग ग्राफिक्स वगैरह देख सकते हो कि ये हमारे फ्री फायर के लग ही रहे हैं। ऊपर से गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो बंदा है ना ये पूरी तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, मतलब गाइस गोल गोल घूम रहा है। ऐसे हमारा कैरेक्टर नहीं घूमता, हमारा जो कैरेक्टर है ना वो रोटेट करता है एक ही जगह में गाइस, वो घूमता रहता है। और लेकिन गाइस ये जो आप लोग देख सकते हो इसके नीचे एक यहाँ पर बोर्ड टाइप का बना दिया ये लोग ने, मतलब गाइस ये बाहर का किसी का गेम है। और गाइस मुझे लगता है कि WWE स्मैकडाउन नाम का एक गेम हुआ करता था, उसका गाइस ये किसी बंदे ने ना उठा के ये डाल दिया। और गाइस ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारा गेम के अंदर रैंडी ऑर्टन आने वाले, ऐसा कुछ नहीं गाइस, ये वीडियो पूरी तरीके से एडिटेड है। लेकिन गाइस हमारे फ्री फायर का एक बहुत ही बड़ा कोलैबोरेशन होने वाला है जिसमें गाइस आप लोग को नया कैरेक्टर देखने को मिलने वाला। और गाइस उसका कैरेक्टर का नाम ना एडवांस सर्वर के अंदर मिस्टिक कैरेक्टर रखा है। लेकिन गाइस अभी ये लोग ने रिवील कर दिया कि कौन सा वो कैरेक्टर होने वाला है। गाइस उसका नाम रहने वाला है स्काइलर। गाइस आप लोग यहां पर देख सकते हो एक वीडियो लीक हो चुकी है, मतलब गाइस लीक नहीं हुए, ये लोग ने खुद अपलोड किया। गाइस यहां पर आप लोग देखो ये जो कैरेक्टर है ना इस तरीके का कैरेक्टर आने वाला है, जिसके गाइस फोटो वगैरह कुछ भी लीक नहीं हुआ है। इसका कैसा एनिमेशन रहने वाला, कैसा गेम के अंदर ये दिखेगा वो अभी लीक नहीं हुआ। लेकिन गाइस रियल लाइफ कैरेक्टर है ये, आप लोग जान लो रियल लाइफ कैरेक्टर के साथ कोलैबोरेशन होने वाला, मतलब गाइस टोटल 3 कोलैबोरेशन होने वाले OB26 के अपडेट के बाद। पहला तो हमारा सीरो के साथ, उसके बाद कोबरा काई है, उसके बाद गाइस जो स्कैलर है उसके साथ भी कोलैबोरेशन होने वाला, जिसका गाइस एबिलिटी में अभी आप लोग को ना फुल डिटेल के साथ एकदम प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि कैसा होगा। सो गाइस अगर आप लोग ग्लू वॉल लगाते हो, अगर आपका एनिमी ग्लू वॉल लगाता ना तो ये जो है ना कैरेक्टर ये उसका ग्लू वॉल बहुत ही तेजी में फोड़ सकता है। ये एक अल्ट्रासोनिक वेव निकालता है जिससे गाइस ग्लू वॉल जो होती है ना वो बस एक फटके में फूट जाती है, मतलब गाइस बहुत ही तगड़ा लगा मुझे ये कैरेक्टर। और गाइस ये जो स्किल है ना ये एक्टिव स्किल है, लेजेंडरी स्किल होने वाले, जैसे गाइस आलोक का होता है, के का होता है, मतलब गाइस आप लोग देख सकते हो इसका कूल डाउन भी हो रहा है, ये बहुत ही जल्दी कूल डाउन भी हो जाएगा। और गाइस ये ग्लू वॉल को बहुत ही तेजी से फोड़ सकता है, मतलब गाइस सोच सकते हो बहुत ही तगड़ा होने वाला। अगर आप लोग क्लैश स्क्वाड खेलते हो या फिर कुछ भी चीजें खेलते हो ना, अगर आप लोग ग्लू वॉल फोड़ना चाहते हो तो गाइस इस तरीके का कैरेक्टर आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला। और गाइस इसका नाम रहने वाला है स्काइलर। तो गाइस आप लोग ने जान लिया होगा कि कौन कौन से कोलैबोरेशन होने वाला, कैसे कैसे होने वाला। और गाइस WWE के बारे में बात कर दिया मैंने। तो गाइस आज का जो वीडियो था ना यहीं तक था, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। तो गाइस अब मैं मिलूंगा आपसे किसी और नई वीडियो में। तो गाइस तब तक ले गुड बाय, पीस आउट।